इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे अपना Vivo Y300 Plus में आपको रैम को कैसे बढ़ाना है। अगर आपको रैम को बढ़ाना है या फिर आपको इंक्रीज करनी है तो इस वीडियो को फुल देखिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ और नीचे तो फिलहाल अपने फोन डिस्प्ले पे और आपको देखिए कैसे आप इसमें रैम को बढ़ा सकते। मैं इस वीडियो में आपको पूरी सेटिंग्स आपको बताने वाला हूँ, तो उसके लिए सिंपली आपको सेटिंग्स वाले एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए। और सेटिंग्स वाले एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, तो स्क्रॉल के नीचे आइएगा और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख रहा है रैम एंड स्टोरेज स्पेस, तो रैम एंड स्टोरेज स्पेस पे क्लिक कर दीजिए। अब रैम एंड स्टोरेज स्पेस पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो फर्स्ट में आपको रैम दिख रहा हो तो रैम पे क्लिक कर दीजिए। अब रैम पे क्लिक करने के बाद टोटल 8GB रैम है और यहाँ पे 4.6GB यूजेज है, तो सिंपली रैम को बढ़ाना है तो यहाँ पे एक्सटेंडेड रैम को इनेबल कीजिएगा और यहाँ पे 5 सेकंड वेट करना होगा। चलिए मैं 5 सेकंड वेट कर लेता हूँ और इसके बाद रीस्टार्ट नाउ पे क्लिक कीजिएगा। अब रीस्टार्ट नाउ पे जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे आपका फोन है वो रीस्टार्ट होने लगा। चलिए मैं थोड़ी सी वेट कर लेता हूँ, उसके बाद आपका फोन है वो रीस्टार्ट हो जाएगा, तब मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरा फ़ोन है वो रीस्टार्ट हो गया और यहाँ पे चलिए मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने को थोड़ा सा वेट कीजिए और यहाँ पे सिंपली आपको सेटिंग्स पे आ जानी होगी। चलिए मैं सेटिंग्स पे आ जाता हूँ। सेटिंग्स पे आने के बाद आपको दिखाता हूँ, सेटिंग्स पे आने के बाद स्क्रॉल के नीचे और यहाँ पे रैम एंड स्टोरेज स्पेस पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए 8GB, अब यहाँ पे 8+8GB हो गया। तो इस तरह से रैम को आप बढ़ा सकते हैं। अच्छी लगी वीडियो तो वीडियोस को लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहले बार चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे जरूर कीजिएगा।